बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले के बारे में। टी20 लीग में आज पंजाब और बेंगलुरु के बीच मुकाबला होना है। पंजाब और बेंगलुरु ने आमने सामने 32 मुकाबले खेले हैं। पंजाब 17 बार और बेंगलुरु 15 बार जीत हासिल कर चुका है, लेकिन आज के मुकाबले में जो हालात हैं, दोनों ही टीमें लगभग एक जैसी संभावनाओं के साथ जो है मैदान में उतरेंगी। ये देखना होगा कि कौन सी टीम अपनी संभावनाएं जो है बरकरार रख पाती है आगे प्लेऑफ की, और कौन सी टीम यहां पर हार हो जाती है। राजेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट का सफर अब यहाँ से काफी मुश्किल है, लेकिन आज जो हारेगा वो औपचारिक रूप से बाहर हो जाएगा। कौन लग रहा है आपको कि बाहर होने वाला आज? नहीं, देखिए, आज जो ड्यू है वो आरसीबी का ड्यू है। मैं मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ, चैंपियन टीम है, उनको अच्छा करना था, पूरे टूर्नामेंट में नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में भी कसक होगी कि भाई हमने नहीं किया, जैसे मुंबई इंडियंस ने किया। उनको हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने एक टीम को ऐसा हरा दिया कि बाकी सारी चीजों को बदल। ऐसे कहीं ना कहीं आरसीबी भी आज कहीं ना कहीं क्लिक करेगी, और वो बिल्कुल ऐसा करेगी कि वो मतलब पंजाब कोई ना कोई एक आध टीम के ऊपर असर होने वाला है उनकी। वैसे पिछले तीन मैचों से काफी अच्छा मोमेंटम में है जी। हाँ, मोमेंटम में है, फिर भी अभी जिस ढंग से मैं सोच रहा हूँ उनके टीम का परफॉर्मेंस वैसा नहीं, मतलब जिसको बोलते ना, जैसे कल हुआ, कल एक वन साइडेड जिसको बोलते कि आपके भाई आप खेल रहे हैं। आरसीबी के साथ कोई एक टीम, मतलब आरसीबी मैं चाह रहा था कि दो तीन टीमों को ऐसा हराए एक एक मैचों में कि जिसमें लगे कि आरसीबी चैंपियन टीम है और खेल रही जी। वैसा अभी तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, वो आज शायद आज हुई। क्यों कि पंजाब कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। बेस्टो ने ये रन बनाए हैं, लेकिन ऐसा कंटिन्यूअस में कोई ऐसा नहीं उनका है। शिखर धवन बाहर है, करण भी रन बना रहे नहीं बना रहे। उनका टोटल जो डिपेंडेंसी है वो शशांक और उन्हीं के ऊपर है पीछे में। रन बना रहे, लेकिन एक टीम की तरह जो है वो इतने मजबूत नजर नहीं आई है पंजाब, और थोड़े से अनलकी भी रहे हैं इस टूर्नामेंट में, कई मैच जो है काफी नजदीक आके हार गए। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का मुकाबला बेंगलुरु और यहाँ पर पंजाब के बीच होना है, देखिए आप क्या होता है इस मुकाबले में, काफी दिलचस्पी रहने वाला है।